लोकसभा में विपक्ष का हल्ला बोल जारी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। देश में आज फिर ईंधन के दाम में हुआ इजाफा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर लगाया आरोप। बैठक में बोली, ध्रुवीकरण करती है केंद्र सरकार। विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने पहली बार बुलाई थी संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिया झटका। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिलेगा एक और मौका। नया नेता बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज हुई मीटिंग में सुनाया फैसला। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर शिवसेना का बयान। सांसद संजय राउत बोले, भारत में श्रीलंका से खराब हो सकती है स्थिति। बीते दिन पीएम मोदी के अधिकारियों ने भी पीएम को दी थी चेतावनी। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी उठी मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन करने की मांग। बजरंग दल और श्री राम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठन ने की मांग। इससे पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने उठाई थी मांग। शिक्षा में भी बीजेपी की तानाशाही। बीजेपी शासित राज्यों में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे भगवद गीता। गुजरात के बाद अब हिमाचल सरकार भी ले चुकी है फैसला। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया ऐलान। चंडीगढ़ को लेकर आमने सामने आए पंजाब हरियाणा। पंजाब सरकार के प्रस्ताव के जवाब में आज हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। पंजाब सरकार ने की चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग। पंजाब में बनाई जाएगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। सीएम भगवंत मान ने दिया गठन का आदेश। एडीजीपी रैंक का अधिकारी करेगा फोर्स का नेतृत्व। गोरखनाथ मंदिर घटना की जांच जारी। मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी एटीएस। आरोपी अहमद मुर्तजा के मुंबई कनेक्शन की करेगी जांच। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही है कमी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 795 नए मामले दर्ज। जान जाने वालों के आंकड़े भी हुए कम। पाकिस्तान में सियासी संकट बरकरार। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का दावा, केयरटेकर पीएम के चुनाव के लिए नहीं मिला राष्ट्रपति का लेटर। अविश्वास प्रस्ताव और संसद भंग होने के मामले में आज फिर पाक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विपक्ष नेता शहबाज शरीफ बोले, हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करेंगे। यूक्रेन रूस जंग का 41वां दिन आज। पश्चिमी देशों की चुप्पी पर भड़के जेलेंस्की। कहा, अगर पहले सैन्य मदद मिलती तो हजारों लोगों को बचाया जा सकता था। यूक्रेन का दावा, 40 दिन के युद्ध में 18,500 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन में युद्ध अपराध की जांच के लिए टीम भेजेगा यूरोपीय संघ। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, एक दशक में 73% तक बढ़ जाएगा न्यूक्लियर मिसाइल और बम का बाजार, अमेरिकी रिपोर्ट का दावा। महंगाई ने बिगाड़ा बजट। पेट्रोल डीजल 15 दिन में 9 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। आज भी पेट्रोल डीजल में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी। माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो के ऑपरेशन और बिजनेस मॉडल की जांच के दिए आदेश। 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। बेंगलुरु टीम में ग्लेन मैक्सवेल की हुई वापसी। ग्रैमी अवार्ड 2022 में पहला ग्रैमी जीतने पर पीएम मोदी ने फाल्गुनी शाह को दी बधाई। सिंगर ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी का अवार्ड जीता। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अप्रैल में बन सकते हैं शादी के बंधन में। रणबीर की बैचलर्स पार्टी के कौन होंगे मेहमान, लिस्ट आई सामने।